नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां ग्रामीण इलाकों में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायत में 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग बीमारी को काबू नहीं कर पा रहा है, जिससे उनके कार्यों पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीते दिन बुधवार को लगभग दर्जन भर डायरिया के मरीज मिले, वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें CSC मानिकपुर से रेफर कर दिया गया। सबसे तबीयत खराब हुई है इनकी, क्या हो गया था, क्या हो रहा था इनको? तो कल रात को हॉस्पिटल लाई थी आप लोग, तो कल क्या हुआ फिर यहाँ? तो कल क्या हुआ यहाँ? आज क्या है? आज तबीयत ठीक है कि अभी क्या दिक्कत है? पेशेंट एक नहीं, पेशेंट 2 है। एक जीतू नाम का 4 वर्ष लगता है सरहट का, एक जीत है 11 वर्ष का इलाज। दोनों गंभीर स्थिति में है, उनको रिफर कराया है और स्थिति ऐसी है कि बच्चों को डॉक्टर यहाँ तो है नहीं, जिला रिफर कराया है और ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा उनका। और अभी जिस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार से पूरे प्रशासन को, स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत सचेत होने की जरूरत है। खबर रीवा से है, जहां जिले के त्योथर नगर परिषद में स्थित एक सड़क तेज बारिश के कारण बह गई। इस दौरान स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सड़कों को पार कर रहे हैं। सड़क के कटान के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण गाँव के नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से पानी का बहाव सड़कों पर नजर आ रहा है। वहीं सड़क को पार करने में लोगों को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी स्थितियाँ ये हैं कि कुछ हाई अलर्ट पर रीवा जिला पिछले 2-3 दिनों से था और लगातार बारिश की, मतलब जो हमारी नियमित वर्षा है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है और उस वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। क्योंकि आप खुद भी ये सब चीज़ें जानते हैं, कुछ दिनों से रीवा में उतनी बेहतर वर्षा नहीं हुई थी, तो वो एक संकलित वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से हमारे कुछ जगहों पर सड़कों वगैरह में और थोड़ा बहुत कहीं कहीं इस तरह के लोगों के शिकायतें भी आ रही हैं कि पानी भरने वगैरह की स्थिति है। तो जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत आती है, प्रशासन तुरंत त्वरित रूप से उसमें कार्रवाई कर रहा है और गंभीरता से इसको ले रहे हैं। जो सड़कों का आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि सड़कें खराब हैं, उसमें आने जाने में, आवागमन में कोई समस्या है, तो उसको यथोचित रूप से त्वरित तौर पर सुधार कराया जाएगा। कल 2-3 जगहों पर पानी ज़्यादा होने के कारण पुल को भी त्योथर वगैरह क्षेत्र में वहाँ से आवागमन रोका गया था। सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं, जो अपने स्तर के आवश्यक कार्रवाई है वो जिला प्रशासन। खबर बरेली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 260 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों का वर्चुअल के माध्यम से लोकार्पण किया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में 200 आरक्षियों की क्षमता वाले बैरक भवन और क्राइम ब्रांच के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर DM शिवाकांत द्विवेदी समेत तमाम प्रशासनिक कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अगली खबर है सोनभद्र से, जहां घोरावल कोतवाली क्षेत्र के घुटहा गांव में अंडे के रुपए मांगने पर दबंग युवकों ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों की मदद से CSC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर बताते हुए उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उमेश लगभग 32 साल जिनकी उम्र है, सन आप प्यारे जो पठान के रहने वाले हैं जी, उन पर शायद कुछ अनजान लोगों ने हथियार से जो है अटैक किया, जिससे जहाँ काफी ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हुई। पेशेंट को PSC में लाया गया, प्राथमिक उपचार देकर के एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर बनाया उसके लिए, तो मतलब गंभीर थे वो? गंभीर स्थिति है। उमेश लगभग खबर आगरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा थाना लोहा मंडी में आवासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, आगरा में कार्यरत पुलिसकर्मियों के रहने के लिए थाना लोहा मंडी में 48 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाले हॉस्टल बैरक का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अगर आप अंग्रेजी शराब के शौकीन हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि अब शराब की बंद बोतल में मरी हुई मक्खी भी देखने को मिल रही है।
जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक ऐसा ही मामला आया है बांदा जिले से, जहां पर शराब के शौकीन एक युवक द्वारा स्टेशन तिराहे पर शराब की दुकान से शराब खरीदने पर उसमें मरी हुई मक्खी तैरते हुए दिखाई दी, जिस पर युवक ने शराब के दुकानदार को इसकी सूचना दी, पर दुकानदार ने इसे अपनी दुकान की शराब होने से इनकार कर दिया, बाद में उसे दूसरी बोतल दे दी। वहीं इस पर आबकारी विभाग के अधिकारी से मामूली सी बात बताते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। नाम है मेरा और मैं इंग्लिश की शराब दुकान में लेके शराब लेने गया था, तो वहाँ मैं जो लेके आया तो उसमें देखा तो मैंने मक्खी पाई थी, वो बनी हुई शराब थी। उसके बाद मैं उससे लड़ा तो वो बोला कि नहीं भाई कस्टमर मेरे खड़े हुए। उसके बाद मेरा हाथ दबाने लगा तो मैंने कहा नहीं तुम उसको नया क्वार्टर, तो मुझसे नया पैसा लो। तो उसके बाद लाने लगा, उसके बाद मैं नया क्वार्टर लेके चला आया और पुराना वाला जो पैक था वो भी लेके चला आया। क्या लगता है इसमें? ऐसा लगता है कि अभी मारने के लिए घूम ही रहे हैं ये मक्खी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाले, इसके अंदर कोई भरोसा नहीं है। आए दिन ऐसे हादसे होते लोग आए दिन, इसके पहले भी मैं पकड़ा था, इसके लिए पहले भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा उसमें मक्खी मिली हुई। स्टेशन तिराहे में एक शराब की दुकान से एक ग्राहक द्वारा एक शराब की बोतल ली गई जिसमें मक्खी पाई गई, और मक्खी को पाना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, हानिकारक है। किस तरह की कार्रवाई इसमें होगी और कौन पे दोषी है? नहीं उसमें कोई दोषी नहीं है, मक्खी पाई गई तो उसको पौवा जरा हम देखे, हमें संज्ञान में अभी पौवा हमें मिला नहीं है, पौवा देखे तो हम बतावें, और यदि वो सील बंद वो है तो यहाँ की कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, नहीं वो डिस्टली से बन के आता है, बहुत सारी उनकी बोतलें है, कंपनी का मैटर है, लोगों के उससे नहीं है, सील बंद है, और ये मक्खी है क्या है जरा हम लोग पौवा देखे तभी तो कुछ हम। अगली खबर बांदा से है, जहां यमुना केन और चंद्रावल नदी के बढ़ रहे जल स्तर से जनपद के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। इनकी वजह से इन गांवों का मुख्य मार्ग संपर्क टूट गया। वहीं प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों पर लोगों के आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था करा दी गई है और बाढ़ चौकियों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अच्छा ये बताइए, डिलीवरी आप हुई है तो आप किस जगह खड़ी हैं, क्या समस्या हो रही है और किस गांव जाना है आपको? जी हमें सिंदन खुर्द जाना है। हाँ। और ना पानी की वजह से नाव से जाएंगे, वहाँ सब जगह से भरा हुआ है। अच्छा सब जगह से भरा हुआ, सब जगह से भरा हुआ है। अच्छा तो डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी कल हुई थी। अच्छा कल, तो आज आप गाँव जा रहे हैं? हम पलानी डेरा पर खड़े हैं। अच्छा जी बताइए, पलानी डेरा से जो रास्ता गया हुआ है कितने गांव का यहाँ से? मरझा पड़ेरी और यहाँ काना केड़ा और हर एक जगह नदी भरी हुई है। नहीं तो कितने गांव संभवता है यहाँ पे? यहाँ डूबने की तो करीबन 5-6 गांव मतलब डूबने की संभावना है। अच्छा तो कोई प्रशासन द्वारा कुछ मदद की गई है? नहीं अभी तो कुछ मदद नहीं की गई। अच्छा गांव को कुछ नहीं मदद? नहीं कुछ नहीं मदद की गई। खबर बदायूं से है, जहां जिला पूर्ति अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें राशन कार्ड धारकों को जो राशन अब तक फ्री में मिल रहा था उस पर अब रोक लगने जा रही है। वहीं अब राशन के 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोगों को दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोरोना काल में निःशुल्क राशन वितरण हो रहा था, जैसा आप सभी जानते हैं। अब व्यवस्था परिवर्तन हुआ है और इसमें विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आयोजित की गई क्योंकि ये जो राशन अभी तक निशुल्क वितरण हो रहा था अब पूर्व की भांति 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल की दर से ये वितरण होगा। दूसरा एक परिवर्तन ये हुआ है कि इसमें जो अभी तक मानक था वितरण का 35 किलो खाद्यान्न मिलता था जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलता था, इसमें भी परिवर्तन हुआ है, अब 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं का वितरण होगा। इसी तरह PHH कार्ड धारक को अभी तक 5 किलो राशन मिलता था जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, इसमें परिवर्तन होकर अब 3 किलो गेहूं और 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। ये मुख्य इसकी परिवर्तन की बातें हैं। एक इसके साथ और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 वस्तुएं वितरित हो रही हैं, 5ों निःशुल्क वितरित होती थी जिसमें गेहूं चावल नमक चना और तेल, तो नमक चना और तेल पूर्व की भांति ही निःशुल्क ही वितरण होगा और गेहूं और चावल इस बार सशुल्क वितरण होगा। खबर आगरा से है, जहां ग्रामीण लोग बाढ़ का शिकार हुए हैं। आपको बता दें लगातार हो रही बारिश के चलते चारों तरफ बाढ़ का ही मंजर दिखाई दिया। वहीं अब ग्रामीण लोग जान बचाने के लिए छतों का सहारा लेने को मजबूर हैं। बाढ़ से निकलने के लिए अब वो मोटर बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद के इंतजाम नजर नहीं आ रहे।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है पश्चिम चंपारण के बेतिया से, जहां पर पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के मैनाटांड थाना क्षेत्र में आने की खबर सुनकर सभी पुलिस पदाधिकारी अलर्ट दिखे। वहीं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पहुंचकर पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बोल रहा है कि वीडियो कॉलिंग हमसे बात कीजिए, जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो गलत गलत मैसेज डाल रहा है, गलत गलत वीडियो डाल रहा है, जो उसके चलते हम परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते हम थाने में आए हुए हैं, उसका FIR दर्ज कराना है। रोल नंबर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD News।